Hare Krishna and good morning dear students. आज हम सबसे पहले आपकी क्लास में इंग्लिश में वर्क करेंगे जिसमें आपका टॉपिक है आज का राइट द लेटर ए टू एफ. आपको इंग्लिश में ए से लेकर एफ तक लेटर बनाना आ गए हैं लेकिन अब आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा सिर्फ यही दिखाएगा राइट द लेटर ए टू एफ. आपको लेटर ए फॉर एप्पल से लेकर एफ फॉर फिश तक के लेटर लिखने हैं तो ये आपको आपके हिसाब से लिखना है. सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ए फॉर एप्पल तो हम हमारी इंग्लिश की कॉपी में लिखेंगे ए फॉर एप्पल. ए फॉर एप्पल कौन सी लाइन से लिखकर मिलेगा स्लैंटिंग लाइन फिर राइट डाउन स्लैंटिंग लाइन देन स्मॉल स्लीपिंग लाइन. ए फॉर एप्पल. ए फॉर एप्पल के बाद बी फॉर बॉल स्टैंडिंग लाइन देन वन कर्ल लाइन एंड वन मोर कर्ल लाइन बी फॉर बॉल. अब बी फॉर बॉल के बाद क्या आता है सी फॉर कैट. सी फॉर कैट ये थ्री लाइन को मिस करते हुए कर लाइन सी फॉर कैट. अब सी फॉर कैट के बाद बी फॉर डॉग स्टैंडिंग लाइन देन राइट डॉग कर लाइन बी फॉर डॉग देन ई फॉर एलिफेंट स्टैंडिंग लाइन वन स्लीपिंग लाइन टू स्लीपिंग लाइन थ्री स्लीपिंग लाइन ई फॉर एलिफेंट then F for fish standing line one sleeping line and two sleeping line yeah F for fish A for apple B for ball C for cat D for dog E for elephant F for fish yeah A से लेकर F तक लेकर आज आपको इंग्लिश की कॉपी में राइट डाउन करने हैं इसलिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी. इंग्लिश का वर्ड कंप्लीट करने के बाद में आपको आज मैथ्स की कॉपी में भी राइट द नंबर वन टू सेवन राइट करना है. आपको आपकी मैथ्स की कॉपी में नंबर वन से लेकर नंबर सेवन तक के नंबर लिखना है. आपको कोई इंडिकेट नहीं है बस आपको बोला गया है कि वन से लेकर सेवन तक के नंबर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे. सबसे पहले कौन सा नंबर आता है नंबर वन ओके देन आपको ये वन ब्लॉक स्किप कर देना है फिर वन के बाद टू वन टू वन ब्लॉक स्किप किया नंबर थ्री फिर वन ब्लॉक स्किप. अब मेरे पास यहाँ बोर्ड पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखती हूँ आपको कॉपी में सीधे ही लिखना है. थ्री के बाद नंबर फोर फोर के बाद नंबर फाइव देन नंबर सिक्स फिर वन ब्लॉक स्किप किया नंबर सेवन ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. आपको मैथ्स की कॉपी में भी वन से लेकर सेवन तक के नंबर लिखना है. इसके लिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी जिसमें आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा.